नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में माइक्रोमैक्स इन नोट 1 वर्सेस सैमसंग गैलेक्सी A21s का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो इन नोट 1 में 6.5 इंच जबकि A21s में 6.44 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि इन नोट 1 से कम है। विड्थ की बात करें तो इन नोट 1 में 3.03 इंच जबकि A21s में 2.96 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि इन नोट 1 से कम है। बात करें थिकनेस की तो दोनों फोन में सेम ही 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो इन नोट 1 में 196 ग्राम जबकि A21s में 192 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो इन नोट 1 में IPS LCD जबकि A21s में RTFT LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो इन नोट 1 में 6.67 इंचेस जबकि A21s में 6.5 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन इन नोट 1 में 1080x2400 और A21s में 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो इन नोट 1 में 84.55% जबकि A21s में 82.75% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो इन नोट 1 में 395 पिक्सेल प्रति इंच जबकि A21s में 270 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो इन नोट 1 में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें की प्राइमरी कैमरा, वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और A21s की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें की वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो इन नोट 1 में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और A21s की बात करें तो उसमें 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो इन नोट 1 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं, और A21s में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो इन नोट 1 में माली G52MC2 जबकि A21s में माली G52MP1 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो इन नोट 1 में MediaTek Helio G85 और A21s में Samsung Exynos 8 Octa 850 मिलता है। बात करें RAM की तो इन नोट 1 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4 GB की RAM मिलती है जबकि A21s में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4 GB, 6 GB, 6 GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो इन नोट 1 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64 GB, 128 GB की स्टोरेज मिलती है जबकि A21s में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64 GB, 64 GB, 128 GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो इन नोट 1 में अप टू 256 GB जबकि A21s में अप टू 512 GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V10 क्यूट देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो इन नोट 1 में 2 कलर्स जबकि A21s में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो इन नोट 1 में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं,
जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 10,490 रुपीस, 4 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 11,990 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें A21s की तो उसमें 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 12,999 रुपीस, 6 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 14,490 रुपीस, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 15,499 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो माइक्रोमैक्स इन नोट 1 में 4 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें सैमसंग गैलेक्सी A21s की तो उसमें 3 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में इन नोट 1 आगे है। मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में इन नोट 1 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें ओप्पो A12 है, दूसरा टेक्नो स्पार्क 6 एयर है, तीसरा ओप्पो F17 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें शाओमी पोको M3 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।